घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया सौमिया आसिम की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने सौमिया आसिम की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। मजीद तफसीला जानेंगे, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का ये मामला है और इस मामले में अदालत ने सिविल जज की अहलिया सौमिया आसिम की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 1 अगस्त तक सौमिया आसिम की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है, वो शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हैं और इस हवाले से इन्हें मुतलका अदालत से रजू करने के लिए हिफाजती जमानत दी जाए। अदालत ने 1 अगस्त तक सौमिया आसिम की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए इन्हें इस्लामाबाद की मुतलका अदालत से रजू करने की हिदायत कर दी। बहुत शुक्रिया अशफाक, आपने अपडेट किया।